एक जंगल में खतरनाक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो पक्षियों की चोंच काट कर अपनी चोंच पे जोड़ना चाहती थी ताकि वो दुनिया की सबसे लंबी चोंच वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन सके। एक दिन टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ ट्यूशन से घर लौट रही थी। जल्दी घर पहुँचने के लिए वो जंगल के रास्ते अपने गाँव की ओर जा रही थी। हमें जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है इस जंगल में डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। अगर कहीं वो हमें मिल गई तो फिर हमारा क्या होगा? वो बहुत ही बेरहम है। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, चलो जल्दी जल्दी हम जंगल को पार कर लेते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20-6 कितने होते हैं। फिर वो जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुँचती है कि तभी अचानक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसको देख सभी पक्षी घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो अपने पंखों को लंबा करके उन सभी चिड़ियाओं को एक साथ उसमें जकड़ लेती है। उसके बाद वो उसकी सहेलियों को एक बड़े से पेड़ से बांध देती है। अब मैं तुम सभी चिड़ियाओं की चोंच काटूंगी। नहीं नहीं भूतिया चिड़िया की आत्मा, हमारी चोंच मत काटिए। चोंच कटने के बाद हम सभी बदसूरत बन जाएंगे और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। खामोश हो जाओ। मैं इसी तरह पक्षियों की चोंच काट कर अपनी चोंच में जोड़ूंगी ताकि मैं इस दुनिया की लंबी चोंच वाली शक्तिशाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊं। उसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू निकाल कर टुनटुनी और उसकी सहेलियों को चोट उसके बाद वो एक बड़ा सा चाकू निकाल कर टुनटुनी उसकी सहेलियों की चोंच काट कर अपनी पर्स में डाल लेती है। उसके बाद वो सभी पक्षी रोते हुए अपने घर चली जाती हैं। इस तरह जब भी कोई पक्षी वहाँ से गुजरता वो उसकी चोंच काट कर अपनी पर्स में रख लेती। अब मुझे 10 पक्षियों की चोंच चाहिए। उसके बाद शैतान की पूजा करके मैं सारी कटी हुई चोंच को अपनी चोंच के साथ जोड़कर लंबी चोंच वाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊंगी। फिर एक दिन जादूगर कालू को अपने दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था और उनकी जादुई छड़ी बाहर पड़ी थी। अरे वाह, आज जंगल में जादूगर आए हैं। मैं इनकी चोंच काट कर अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इनकी जादुई छड़ी अपने कब्जे में लेनी होगी। फिर वो छुपके से पेड़ से नीचे उतर जाती है और झरने के किनारे रखी छड़ी उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। उसके बाद वो एक बड़ा सा जाल फेंक कर उन सभी जादूगर को एक साथ पकड़ लेती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, तेरी इतनी हिम्मत हमें पकड़ने की? चल इसी वक्त हमें आजाद कर दे, वरना तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम सभी की जादुई छड़ी मेरे कब्जे में है। अपनी जादुई छड़ी के बिना तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो जबरदस्ती जादूगरों को अपनी गुफा की ओर ले जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में टुनटुनी उसकी सहेली ये सब देख लेती है। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया की आत्मा तो इन बेचारे जादूगरों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रही है। लगता है इनकी चोंच काटने वाली है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूँगी। ये कहकर वो अपनी सहेलियों के साथ उसकी गुफा में जाती है। अब बताओ, सबसे पहले अपनी चोंच कौन कटवाएगा? तभी टुनटुनी डंडे से उस पर वार करती है और जल्दी से जादूगर की छड़ी उसे वापस करती है। जादूगर कालू को अपनी छड़ी से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के शरीर में आग लगा देता है। वो जलकर राख हो जाती है। वही टुनटुनी उसकी सहेली की चोंच वापस करके उनके मुंह में लगा देता है। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर सभी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। एक जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हुआ करता था, जिस पर काफी सुंदर सुंदर और रंग बिरंगी नेल पॉलिश उगा करती थी। उस नेल पॉलिश को लगाते ही पक्षियों की हर एक इच्छा पूरी हो जाती थी। पर एक बात थी, वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो अपनी जादुई नेल पॉलिश किसी को भी नहीं देता था, सिवाय किसी राजकुमारी के।
मैं हूँ एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़। मेरी नेल पॉलिश लगाते ही सब काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं और काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बोरी नाम की चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पास आती है और कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 59-7 कितने होते हैं। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा काली हूँ। मेरा सब बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। अगर आप एक जादुई नेल पॉलिश दे देंगे तो उसे लगाकर मैं भी गोरी हो जाऊंगी, फिर सब मेरा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। ए दुष्ट चिड़िया, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आ गई? मैं तेरी इस बदसूरत शक्ल को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चली जा यहाँ से। जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मुझे इस तरह से यहाँ से मत भगाओ, मुझे बस एक जादुई नेल पॉलिश दे दीजिए। भूरी चिड़िया बहुत ही मिन्नत करती है, पर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बिल्कुल भी रहम नहीं करता। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत राजकुमारी टुनटुनी चिड़िया आती है। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा राज्य दूर समुद्र के किनारे है। मैं तुमसे जादुई नेल पॉलिश लेने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी, तुम्हें जितना भी नेल पॉलिश चाहिए उतनी नेल पॉलिश की डिब्बी ले जा सकती हो। वो खूबसूरत सी राजकुमारी ढेर सारी नेल पॉलिश ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी पूरी चिड़िया सोचती है, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी परेशानी बताऊँ तो शायद वो समझ जाए और मुझे एक जादुई नेल पॉलिश की शीशी दे दे। ये सोचकर भूरी चिड़िया उस राजकुमारी का पीछा करती है और एक जंगल में पहुंचती है। तभी वो देखती है कि वो राजकुमारी एक गुफा के अंदर जा रही है। वो उसके पीछे पीछे उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है कि वो राजकुमारी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है और उस जादुई नील पॉलिश से ढेर सारे खजाने लाती है। अरे वाह, ये कमाल हो गया, वो जादुई पेड़ तो सचमुच शक्तिशाली है। मैं कल सुबह उस पेड़ को काट के अपनी गुफा में ले आऊंगी। उस जादुई पेड़ की जादुई नेल पॉलिश को लगाकर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर भूरी चिड़िया चौंक जाती है। अरे नहीं, ये तो एक धोखेबाज भूतिया चिड़िया की आत्मा निकली। मुझे इसी वक्त इसके बारे में उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बताना होगा। भूरी चिड़िया उसी वक्त जाकर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को सारी बात बताती है, पर वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे वहाँ से भगा देता है। बेचारी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगली रात को भूतिया चिड़िया की आत्मा एक जादुई कुल्हाड़ी को लेकर उस पेड़ के पास आती है, जिसे देखकर वो जादुई नील पॉलिश का पेड़ काफी डर जाता है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं क्या देख रहा हूँ, उस चिड़िया ने बिल्कुल सही कहा था। अब मैं क्या करूँगा, लगता है ये मेरे जादुई पेड़ को काट कर अपने साथ ले जाएगी। सुनो जादुई नील पॉलिश के पेड़, आज तुम्हारा अंतिम दिन है, आज मैं तुम्हें काट कर अपनी गुफा में लेकर जाऊंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा वो पेड़ काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पर भूरी चिड़िया आ जाती है। अगर तुमने इस पेड़ को कोई भी नुकसान पहुँचाया ना तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझी तुम? अरे मूर्ख चिड़िया, क्या तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है? लगता है कि मुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो फिसल जाती है। यही समय देखकर भूरी चिड़िया वो जादुई कुल्हाड़ी को उठा लेती है। देख भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू अभी की अभी यहाँ से चली जा, वरना देख लेना मैं तुम्हें अभी की अभी इस जादुई कुल्हाड़ी से काट के फेंक दूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, कृपया जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल मत करना, ये जादुई कुल्हाड़ी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं जा रही हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ भूरी चिड़िया से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसको ढेर सारी नेल पॉलिश देता है। घर आकर भूरी चिड़िया वो नेल पॉलिश लगाती है, जिससे वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।
रामपुर गांव में कालू नाम का एक गरीब बर्गर वाला रहता था। वो गांव के नुक्कड़ पर अपने छोटे से बर्गर के ठेले पर तरह तरह के स्वादिष्ट बर्गर बनाता था और उन्हें बेचता था। पक्षियों को उसके हाथ के बर्गर काफी पसंद आते थे। बर्गर ले लो बर्गर, आइए कालू बर्गर वाले के पास शहरी बर्गर खाने को मिलेंगे। एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। आइए आइए बर्गर खाइए। अरे वाह कालू भैया, एकदम मस्त बना है बर्गर, मजा ही आ गया सच में। मुझे तो चिकन बर्गर और देना, मैं तो दीवानी हो गई आपके बर्गर की। वही कालू के ठेले के ठीक सामने टोनी चिड़िया का बर्गर का ठेला था, पर उसके बर्गर के ठेले पर कोई नहीं जाता था। ये देखकर उसे बहुत जलन होती थी। दिन भर पागलों की तरह पक्षी खाने आते रहते हैं इस बेवकूफ कालू के हाथों से बने बर्गर, पर ये अपने बर्गर में ऐसा क्या डालता है जो पक्षी इसके बर्गर के दीवाने हैं? कालू का वो दिन रात कड़ी मेहनत करके बर्गर बेचता और वहीं दूसरी ओर टूनी चिड़िया काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। वो अकेली इस गांव में रहती थी। वहीं उसके परिवार वाले दूसरे गांव में रहते थे। एक रात वो रास्ते पर चलते हुए अपने आप से बातें करते हुए जा रही थी। मेरे गांव में ज्यादा पक्षी नहीं है और पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं इस गांव में आई बर्गर बेचने। लेकिन अब यहां पर आकर भी मेरी कुछ कमाई नहीं हो रही, सब पक्षी उस कालू के पास ही जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मेरा पूरा परिवार मेरे भरोसे है गांव में। बिजली का बिल, राशन पानी, माँ पापा की दवाइयाँ, ये सब कैसे पूरा करूंगी मैं क्या करूं? ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बनकर गांव में घूमने लगती है। अगर कालू मेरे रास्ते का काटा नहीं बनता तो मैं आज जिंदा होती, उसकी वजह से मैं मर गई। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा रोजाना कालू के ठेले के सामान नीचे बिखेर देती। अरे ये मेरा सामान यहाँ से वहाँ और नीचे कैसे गिर रहा है? ना तो तेज हवा चल रही है, ना ही यहाँ आसपास कोई है, ऐसे कैसे हो रहा है? ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी एक दिन वो कालू के शरीर के अंदर घुस जाती है और जानबूझकर बर्गर का टेस्ट बिगाड़ देती है। ये बर्गर है या मिर्ची का परिवार? इतनी सारी मिर्ची, बहुत मिर्ची है, इतना तीखा है कि क्या बताऊं? छी, इस बर्गर वाले के पास तो आना ही नहीं चाहिए। धीरे धीरे गांव के पक्षी कालू के बर्गर खाना छोड़ देते हैं। फिर एक दिन रात में वो उसके शरीर से बाहर आती है। क्यों? बहुत उड़ रहा था ना, कैसे लगा नीचे गिरकर? तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं मर गई तेरी वजह से। गलत, एकदम गलत। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, खुद तुम हो। अगर ग्राहक नहीं आ रहे थे तो तुम कुछ और करती। मैं खुद देखता था कैसे तुम दिन भर अपने ठेले पर बस सोती रहती थी। तुम बहुत आलसी थी, ये सब तुम्हारी गलती है। सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यों गांव वालों, आज तो मैं तुम सबको भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे हाथ से बना बर्गर छोड़कर इसके हाथ का बर्गर खाना था ना, तुम सबको आज मजा चखाती हूँ। जैसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पक्षियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुन टुनी उसके कानों में मंत्र पढ़ देती है जिसे सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। शुक्र है ये भूतिया बर्गर वाली चिड़िया खत्म हो गई। अब कालू कौआ खुशी खुशी बर्गर बनाकर गांव में बेचा करता।